भाई साहब क्या दिखा दिया यार, गूगल पे टाइप कर तुझे पता चलेगा तेरा बाप कौन है। रिस्क बताता हूं पूरी वीडियो जरा सुनना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भाई। ये क्या देखा है मैंने, क्या देखा है भाई 4 मिनट के ट्रेलर में। मैं आपको बता रहा हूं, रामायण का कॉन्सेप्ट, बाजीराव सिंघम, सूर्यवंशी, सिम्बा का रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ और चुलबुल पांडे का कैमियो एंड में जो आएगा, अर्जुन कपूर, जो लोग कह रहे थे ना कि अर्जुन कपूर को लेके कि भाई क्या गलती कर दी है वो। देखो भाई मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, और ऐसा नहीं है क्योंकि मैं भी एक ट्रेलर मैंने जस्ट अभी देखा है, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेवल, थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल हाई है। भूल भुलैया मुझे नहीं पता 1 नवंबर को क्या होगा, पर मैं आपको एक बात देख के बता सकता हूं, ये ट्रेलर जो मैंने देख लिया है, मुझे पता है कुछ लोगों की कंप्लेंट आएगी कि भाई पूरी पिक्चर ही दिखा दी, स्टोरी दिखा दी, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इन्होंने दिखाया है बम है यार, बम। मतलब मैं सोच रहा हूं कि थिएटर में होगा क्या, जो एक गड़बड़ हो सकती है उस पर बात करते हैं, मगर यार एक्शन सीन्स, मास एलिमेंट्स, नेक्स्ट लेवल चल रहे हैं यार, नेक्स्ट लेवल। आप रामायण का मतलब रेफरेंस ले रहे हो, रेफरेंस मतलब इन द सेंस स्टोरी नहीं, पर वो बोलते हैं ना बैकग्राउंड में वो थीम चल रही है, और यहां पे करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वहां पे आपको ये भी दिख रहा है कि सिंघम को पूरा यूनिवर्स के जितने कॉप्स हैं वो अपना माए बाप मानते हैं, उससे आशीर्वाद ले रहे हैं, उससे ब्लेसिंग्स ले रहे हैं उसको, और ये बहुत बड़ा कुछ टारगेट होगा, तभी इस मूवी का मजा आएगा। मैं दोस्तों एक बात बताता हूं, सिर्फ एक रिस्क जो मुझे बहुत बड़ा लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि भाई आपने इतने करेक्टर्स जो अंदर डाल दिए हैं, आपका जो एनिमी है यानी अर्जुन कपूर, आपका जो टारगेट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना रोहित शेट्टी साहब। मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इस ट्रेलर के बाद। ये मास लेवल नहीं है, मास का बाप भी नहीं है, मास का दादा है भाई, ये नेक्स्ट लेवल चीज दिखा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ थिएटर में देखने वाली मूवी है। एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो तुम अगर कोई थिएटर में ना जाए ना इस मूवी को देखने, अच्छी हो बुरी हो वो बाद में डिसाइड करना भाई साहब, ये मूवी बनती ही दिवाली वाले दिन में सोच रहा हूं पटाखे किस लेवल की फूटेंगे। और भूल भुलैया जो मुझे लग रहा है, अभी भूल भुलैया का भी ट्रेलर आना है, बहुत एंटिसिपेटेड है, मगर अब मुझे हल्का लग रहा है उनका भूल भुलैया वालों का प्रोग्राम। सिंघम की स्टोरी जो लाइनअप दिख रही है, यहां पे पाकिस्तान का भी इशू आ चुका है, यहां पे सीता हरण का भी एक रेफरेंस लिया जा रहा है, पता नहीं किस तरीके से क्या कुछ कनेक्टेड है, वो मैं ज्यादा उस पर घुसना भी नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं इसको सिर्फ बिग स्क्रीन पे देखना चाहता हूं। बट भाई रिस्क बड़ा, बजट बड़ा, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है अजय देवगन की सिंघम अगेन से दोस्तों, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, आग लेवल, बाप लेवल ट्रेलर मुझे लगा है। ट्रेलर देखने के साथ मेरा पहला रहता है कि भाई मैं मूवी जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा थिएटर में देखने। फिंगर्स क्रॉस रोहित शेट्टी, आप पे इस वक्त बॉलीवुड की इज्जत है, आप पर इस वक्त बॉलीवुड की पूरी इज्जत टिकी हुई है, ये मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी जाएगी 2024 की, यकीन करो दोस्तों ये मोस्ट एंटिसिपेटेड है। रोहित शेट्टी से अगर कोई गलती हुई तो बहुत गालियां पड़ेंगी, नहीं तो तालियां तो हम मार ही रहे हैं ट्रेलर के बाद। खिचड़ी वाला पॉइंट मैं नहीं जाऊंगा, कैमियो हो गए, ये हो गया, कैमियो को ढंग से दिखाना, तमीज से दिखाना कैमियोस को, कैमियोस की जरूरत हो वहां पे कैमियो आए, ऐसे आलतू फालतू पटाखे नहीं फोड़ना। इस मूवी से 500 करोड़ की उम्मीद अब मुझे ट्रेलर देख के लग रही है, बहुत एक्साइटेड हूं दोस्तों। दिवाली के लिए अपडेट्स आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाइक किया, और अपनी राय कमेंट सेक्शन पे जरूर ठोकना। टेक केयर, बाय बाय।